हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जो अपने एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू एवरीवन, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, सो आई डू नॉट एबल टू मेक वीडियोज। सो वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टूडे। सो द क्वेश्चन फॉर टूडे इज Describe various methods for propagation of forest plant. Methods of propagation for forest plant. So this is today's question. So ये जो है methods of propagation of forest plants, it has been asked in couple of times in previous years और most recently ये पिछले साल भी पूछा गया था, it has been asked in last year also. And this I have taught in detail in टॉपिक 16 ऑफ पेपर 1। व्हेन यू गो टू प्लेलिस्ट यू फाइंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड यू गो टू टॉपिक 16, देयर यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन डिटेल। मैंने अच्छे से डिटेल में इस चीज को पढ़ाया हुआ है, मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स को। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। अगर आप कुछ भी खुद से लिख पा रहे हैं तो माय सजेशन विल बी दैट प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ एंड देन सी द वीडियो एंड एवलुएट फ्रॉम देयर एंड यू विल गेट टू नो हाउ राइटली यू हैव रिटन। और अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, आई हैव नॉट रीड दिस, देन फर्स्ट वॉच द वीडियो सो दैट यू गेट द गुड इंफॉर्मेशन अबाउट इट और देन यू कैन राइट द आंसर्स। तो और अगर आपको नहीं भी आंसर भी लिखना है आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी कुछ भी रीजन से, तो फिर भी आप वीडियो एज इन एज फॉर गेनिंग नॉलेज, आप बस नॉलेज के लिए वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपल आंसर जैसे इंट्रो, इसमें क्या आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इस आंसर को, मैंने सिंपली इंट्रोड्यूस किया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है दैट इज क्विक एंड मास प्रोपागेशन। ओके, अदर प्रोपागेशन जो भी फॉरेस्ट प्लांट्स, नॉट ओनली वेजिटेटिव प्रोपागेशन बट अदर प्लांट प्रोपागेशंस जो अभी फॉरेस्ट में यूज हो जा रही है, फॉरेस्ट प्लांट्स के लिए मेनली यूज हो रही है, दैट वी आर यूजिंग क्विक मास प्रोपागेशन मेथड्स वेयर वी गेट डिजीज फ्री प्लांट्स। यहाँ पे हमें डिजीज फ्री प्लांट्स भी मिल रही है, मेनली वेजिटेटिव प्रोपागेशन का भी यूज हो रहा है। कन्वेंशनल प्रोपागेशन जो थी, जो कन्वेंशनल मेथड्स थे फॉरेस्ट्री की जर्मिनेशन की, उसमें क्या हो रहे थे, देयर वाज सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, इट वाज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टायरी प्रोसेस। सो टू चेंज दिस, ये लॉन्ग और टायरी प्रोसेस को चेंज करने के लिए वो चीज ना हो, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन और मॉडर्न प्रोपागेशन टेक्निक्स पे अब आ चुके हैं। और जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करें तो ये मेनली यूज हो रही है अभी पॉपुलर में। पॉपुलर इज ए वेरी गुड एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज आल्सो। व्हेन यू मूव फ्रॉम दिल्ली टू पर साइड उत्तराखंड साइड, जो आपको रोड के दोनों साइड आपको दिखेंगे कि खेतों के चारों तरफ एक सीधी सीधी पेड़ लगी हुई है, तो दिस इज नथिंग दैट इज पॉपुलर। मैक्सिमम ऑफ दिस ट्रीज यूज बाय द farmers for agroforestry is popular deltoids, its biological name is popular deltoids। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात क्या है, quick growing tree, it is a quick growing tree and it gives you return in less time as compared to other trees, तो जल्दी जल्दी ये बढ़ती है। सो ये चीज वैसे करके आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे बताई हैं। So now we will move to the question, that is methods of propagation of forest plants. So what are the methods? So first of all you will discuss macro propagation. Okay, so here the first method is cutting. So cutting is the most convenient and cheap method, it is most convenient and cheap method and maximum in propagation, the maximum in macro propagation, the maximum technique we use for forest, जो हम लोग maximum use कर रहे हैं वो cutting का ही use कर रहे हैं। तो
तो इसमें क्या होता है, देखिए मान के चलो किसी ट्री का कोई पार्ट है, ये ट्री है इसका कोई पार्ट है, तो सिंपल वी कट दिस पार्ट एंड वी प्लांट दिस पार्ट एंड द रूट्स विल डेवलप एंड दिस प्लांट विल ग्रो. तो दिस इज सिंपल पार्ट कटिंग इज. आप लोग काटेंगे, हम लोग सिंपल अप्रोच के साथ क्या करते हैं, काट के उसके डाल देते हैं और रूट्स ग्रो होता है, प्लांट ग्रो होता है. हालांकि ये फॉरेस्ट ट्रीज में क्वेश्चन है, हालांकि आप यहाँ पर रोज का एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं रोज के जगह पे. सेम चीज आप हम कर सकते हैं पॉपुलर में, हम सेम चीज विलो में कर सकते हैं, विलो पर ट्रीज में. सो यहाँ पे ये चीज आप एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं. यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर है विलो. सो सेम रोज में जैसे करते हैं उसमें भी हम असिस्टेंट ट्रीओं में भी उसे कर सकते हैं कटिंग. सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग. सो व्हाई वी नीड टू डू ग्राफ्टिंग. ओके, तो ग्राफ्टिंग में पहले क्या होता है आप समझो, इसमें जो है दिस इज रूट स्टॉक, शूट पार्ट इज कॉल्ड सायन. सो हियर वी ज्वाइन द सायन दैट इज द शूट पार्ट एंड रूट पार्ट, रूट स्टॉक ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स. ओके, दो दो प्लांट्स हैं, दो विच आर डिफरेंट इन जेनेटिक ओरिजिन आर ज्वाइन टुगेदर. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग फ्रूट प्रीफर करते हैं वो वहाँ के वेल स्टेबिलिटी वराइटीज के. मान के चलो कि हम यूपी में फॉर एग्जांपल, यूपी में किसी प्लांट का ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो जो रूट हम लेंगे, रूट स्टॉक, वो वहाँ के लोकल वराइटीज का लेंगे. ओके, लोकल वराइटीज का लेंगे ताकि वो वेल डेवलप्ड रूट स्टॉक हो, वहाँ के वो मेथड्स, वहाँ के वो सॉइल पे अच्छे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा हो. और ऊपर का हम लोग साइन लेंगे दैट वी विल टेक अ डिजायर्ड वैरायटी. ओके, सपोज मैंगो के केस में आप समझो, हालांकि मैंगो फॉरेस्ट्री नहीं है पर समझने के लिए मुझे समझ सकते हैं कि मैंगो में जो हम लोग रूट स्टॉक लेते हैं, द रूट स्टॉक वी टेक अ डिजायर्ड, नॉट डिजायर्ड वैरायटी बट वेल एस्टैब्लिश्ड वैरायटी, जो उस रीजन में वेल एस्टैब्लिश्ड है. और जो साइन लेते हैं डिजायर्ड वैरायटी, मान के चलो हमको यहाँ कोई एक मैंगो की वैरायटी अल्फोंसो प्लांट करना है. ओके, और अल्फोंसो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, हम ग्राफ्टिंग के थ्रू से ग्रो करा सकते हैं. ग्राफ्टिंग में हम साइन ले लेंगे जो यूपी में लंगड़ा मान के चलो एस्टेब्लिश्ड है यूपी में, तो लंगड़ा का ये ले लेंगे रूट स्टॉक और अल्फोंसो का ये ले लेंगे, दोनों ग्राफ्ट कर देंगे यहाँ पे अच्छे से, एंड देन दिस ट्री विल ग्रो. सो दिस इज वॉट ग्राफ्टिंग इज एंड वी ऑल्सो यूज दिस इन वेरियस फॉरेस्ट ट्रीज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट ग्राफ्टिंग इज. द थर्ड मेथड इज layering. So it is, first of all you should know it is two types, air layering and ground layering. But the mostly used method for forest trees, जो हम लोग forest trees में use करते हैं वो है air layering. Ground layering काफी कम होती है क्योंकि आसान. पहले ground layering में क्या होता है, मान के चलो ये tree है, इसकी एक branch है, इस ब्रांच को अगर ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ब्रांच इसको नीचे साइड ला देंगे, इसको हम लोग सॉइल इसके ऊपर डाल देंगे, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे इस यहाँ पे रूट डेवलप होगा, फिर यहाँ से हम इस ब्रांच को काट लेंगे और ये नेटरी डेवलप हो जाएगी. सो ये था ग्राउंड लेयर. पर इट इज नॉट दैट मच इजी फॉर फॉरेस्ट ट्रीज, बिकॉज की फॉरेस्ट ट्रीज की ब्रांचेज जो इतनी फ्लेक्सिबल होती नहीं है कि आप उसे नीचे करके ग्राउंड लेयरिंग करें. वाइल एयर लेयरिंग इज कंपेरेटिवली इजी फॉर फॉरेस्ट्री और जो मैक्सिमम फॉरेस्ट प्लांट्स में यूज होती है एयर लेयरिंग. तो एयर लेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए दिस इज प्लांट, इसको ब्रांच है, तो वी विल गिव अ सिग्निफिकेंट मीडियम हियर ओनली. ठीक है, हम लोग इसके जो बार्क को है वी विल रिमूव इट्स बार्क. ओके, एंड यू विल टेक सम न्यूट्रिएंट, गिव सिग्निफिकेंट मीडियम, फॉर एग्जांपल कोकोपीट यूज कर सकते हैं हम लोग, फूसा यूज कर सकते हैं. वी विल मेक श्योर वी विल यूज सम हार्मोन्स देयर एंड वी विल कवर इट. तो क्या हुआ कि यहाँ से रूट डेवलप होगी, और एक बार जब रूट डेवलप हो गई, व्हेन द रूट इज डेवलप्ड वी विल कट इट फ्रॉम हियर, और यहाँ से कट करके इसे ग्रो करते हैं. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड एयर लेयरिंग, बिकॉज इन कटिंग वी आर जस्ट कटिंग एंड ग्रोइंग, रूट डेवलपमेंट इज इनसाइड द सॉइल, बट हियर द रूट डेवलपमेंट इज ऑन द ब्रांचेज इटसेल्फ, इन द एयर इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एयर लेयरिंग, और इट इज वेरी मच पॉसिबल इन वेरियस फॉरेस्ट प्लांट्स. सो ये तीन तरह के जो मेथड्स थे मैक्रो प्रोपोगेशन के, जो और भी मेथड्स है मैक्रो प्रोपोगेशन के, पर ये तीन कॉमनली हम फॉरेस्ट प्लांट्स में यूज करते हैं. आई यूज दी थ्री ऑफन सिग्निफिकेंटली एंड ऑफन कॉमनली फॉर फॉरेस्ट प्लांट्स. तो ये तो बात होगी अब मैक्रो प्रोपागेशन की. अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो मैक्रो, एम एक ही होगी बात. अब सेकेंड जो है दैट इज माइक्रो प्रोपागेशन, एम आई
मैक्रो, और इसे हम क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर, ऑल्सो कॉल्ड. सो व्हाट हैपेंस हियर, वी विल हियर वी डू कल्चर ऑफ सेल्स, हम जो कल्चर करते हैं सेल्स का, ओके, कल्चर ऑफ विच सेल्स, देयर आर विच आर माइटोटिकली एक्टिव, जिसमें भी माइटोसिस हो रही है, जो माइटोटिकली एक्टिव सेल्स है उसको लेंगे. मोनली वी टेक सेल्स ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स, ग्रोइंग पार्ट्स में एक्टिव माइटोसिस होती है, सो वी विल टेक पार्ट्स सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग पार्ट्स, और उसे हम एप्रोप्रिएट मीडियम के अंदर उगाते हैं. ओके, वी विल टेक एप्रोप्रिएट मीडियम, गिव द एप्रोप्रिएट कंडीशंस टू दिस सेल, एंड वी विल देन ग्रो द सेल्स, व्हिच सेल्स विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो. ओके, और ये जो है रैपिड मल्टीप्लीकेशन मेथड, हियर वी कैन ग्रो मेनी, एक सेल से हम चाहे तो, कुछ सेल से हम चाहे तो थाउजेंड ऑफ प्लांट्स को बना सकते हैं. क्या हम ग्राफ्टिंग से वो चीज कर सकते हैं? नहीं, ग्राफ्टिंग इज वेरी टायरस प्रोसेस. अगर आप ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है, ये चीज भी आपको लिख लें यहाँ पे, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कम्पेयर टू अदर मेथड्स, और इसीलिए मेनली इसे हम फॉरेस्ट ट्रीज के मास प्रोपागेशन में यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज इन mass propagation. So grafting is not used in mass propagation of forest plants. You should know it. वहाँ तक अगर हम micro propagation की बात करें तो इसमें हम rapid method तो है ही, और इसमें हम बहुत सारा multiply, many cells can be rapid multiplication हो सकता है, और इसमें जो ये rapid multiplication होता है, this is through somatic embryogenesis. ये आपको जानना जरूरी है, somatic embryogenesis. मैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, और इसी को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस तो इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रायो होती है सेल्स, हम एम्ब्रायो डेवलप करते हैं, एंड दिस एम्ब्रायो गैन डेवलप्स इनटू अ प्लांट और ट्री, व्हाटएवर यू वांट टू से. सो दिस इज व्हाट माइक्रो प्रोपगेशन, और जो माइक्रो प्रोपगेशन में हम डिजीज फ्री प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं. हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्लांट है, मान के चलो ये वायरस से अफेक्टेड है, तो हम इसके रूट टिप, जो रूट सॉरी शूट टिप को लेंगे, जो मेरिस्टेम जिसको कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम को लेंगे. तो व्हाई वी ऑलवेज टेक, वी प्रेफर एपिकल मेरिस्टेम फॉर डिजीज फ्री प्लांट, बिकॉज ये जो बहुत ही न्यूली ग्रोन प्लांट होता है, और देयर इज वेरी लेस चांस कि इट हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस वायरस और दिस डिजीज. तो फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम कल्चर वी कैन डेवलप डिजीज फ्री प्लांट्स. सो इट इज अ वेरी गुड मेथड. सो दीज वेर द मेथड्स ऑफ वेरियस मेथड्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स. होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. और मैंने पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शन का कोर्स कंप्लीट करा दिया, पेपर वन पेपर टू. तो आप जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे, तो यू विल बी वेरी इजिली एबल टू सी द कंप्लीट कोर्स इन प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल. सो गो देयर एंड प्लीज वॉच इट. जैसे कि ये जो चीज़ थी, मैंने इसे टॉपिक 16 ऑफ पेपर वन में मैंने इसे पढ़ाया हुआ है अच्छे से, तो आप उसे जा करके वहाँ से देख सकते हैं. और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं मेथड्स के बारे में, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि और भी आपके ऐसे वीडियोस को बनाई जा सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.